हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है और इसका यूज किस प्रकार करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसी आईसी है जिसकी इनपुट में कुछ भी वोल्टेज देने से आउटपुट में हमेशा फिक्स वोल्टेज ही निकलता है। जैसे कि आप 7805 आईसी की इनपुट में 10, 12, 15, 20, 22 कुछ भी वोल्टेज दे, लेकिन इसकी आउटपुट से हमेशा 5 वोल्ट ही निकलते हैं, बशर्ते कि इनपुट वोल्टेज 7.5 से कम न हो। दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में अलग अलग आईसी आती है, जैसे कि 7805, 7809 और 7812। और दूसरी तरफ वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए एक ही प्रकार की आईसी यूज में लेते हैं और उसमें कुछ अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस जोड़कर आउटपुट में फिक्स वोल्टेज मिल जाते हैं, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर की। और फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर और निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर में वोल्टेज कुछ पॉजिटिव वैल्यू देता है, जैसे कि 7805 के आउटपुट में हमें प्लस 5 वोल्टेज मिलेगा और 7809 के आउटपुट में हमें प्लस 9 वोल्टेज मिलेगा। और ध्यान रहे दोस्तों, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से हमेशा 2.5 वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि हम 7809 आईसी यूज में लेते हैं तो उसको हमेशा इनपुट में 11.5 वोल्ट से कम नहीं देना चाहिए। यह आईसी हमेशा डीसी वोल्ट पर ही काम करती है। अब मैं आपको इसे यूज करने का तरीका बताऊंगा। यह 3 पिन की आईसी होती है। इसका पहला पिन इनपुट और दूसरा पिन ग्राउंड और तीसरा पिन आउटपुट होता है। इसकी इनपुट और ग्राउंड के बीच वोल्ट देते हैं और दूसरी तरफ आउटपुट और ग्राउंड के बीच 5 वोल्ट मिलते हैं। अब आप आउटपुट के अनुसार आईसी चुन सकते हो। जैसे कि आपको 5 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए आप 7805 यूज में ले लो, और अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आप 7809 यूज में ले लो, और जैसे कि आपको 12 वोल्ट चाहिए तो आप 7812 यूज में ले लो। दोस्तों, अब देखते हैं कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर को हम 79XX से डिनोट करते हैं, जैसे कि 7905 है तो ये -5 वोल्ट देगा और 7906 है तो ये -6 वोल्ट देगा। ये आईसी भी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसे अकेले में यूज नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज के बिना निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर का कोई मतलब नहीं होता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की। इसके लिए आईसी LM317 यूज में लेनी होती है। ये आईसी आउटपुट में 1.5 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट देती है, बशर्ते कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो। अब देखते हैं कि ये आईसी कैसे काम करती है। इसकी भी 3 पिन होती है, पहला पिन एडजस्टमेंट और दूसरा पिन आउटपुट और तीसरा पिन इनपुट। इस आईसी के साथ 2 रेजिस्टेंस प्रयोग में लेते हैं। जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हो, इन रेजिस्टेंस के हिसाब से ही आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2, इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा करके आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।